डियर वंस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, खास तौर से क्लास टेंथ के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट इयर्स के पेपर्स को, बोर्ड में जो पेपर्स हुए हैं उनको सॉल्व करना। तो आज हम 2020 यानी कि जस्ट लास्ट ईयर के एक सेट को हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम ग्रामेटिक पोर्शन से शुरू करेंगे, जो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है और बच्चों ने कहा है, इसकी डिमांड है। इसलिए बोर्ड एग्जामिनेशन का वो सेक्शन जिसमें ग्रामर शुरू होती है, क्वेश्चन नंबर 10 से, ठीक है। इन केस अगर आपको टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन चाहिए तो हम फिर आपकी डिमांड पर, आपके कमेंट्स देखने के बाद फर्स्ट पोर्शन को भी सॉल्व कराएंगे। सेक्शन ए, ये है सेक्शन वी, ठीक है। आइए, पहला जो क्वेश्चन आता है, सबसे ऊपर आपको लिखा मिलेगा क्या, सेक्शन बी, ये लिखा मिलेगा। और जो क्वेश्चन की शुरुआत होगी वो होगी क्वेश्चन नंबर 10 से। पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे क्या है, फिर उसको आंसर करेंगे। आपको कॉपी में बोर्ड की केवल आंसर करना है, क्वेश्चन को नहीं करना है, उस स्पेस को बचाना है, उस टाइम को भी बचाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो पहला आता है, सॉरी 10 जो पहला क्वेश्चन आता है, दैट इज अ क्वेश्चन अबाउट रीऑर्डर, ऐसा लिखा मिलेगा, रीऑर्डर द सेंटेंस। एक सेंटेंस होगा जो ऑर्डर में नहीं होगा, डिसऑर्डर होगा, उसको हम रीऑर्डर करेंगे। तो क्या सेंटेंस था एक पेपर में, इसमें था इन इवनिंग प्ले फुटबॉल वी द, ये था इन इवनिंग प्ले फुटबॉल वी द। तो हम इसमें क्या काम करते हैं, सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे जो वी है, फिर हम वर्ब ढूंढेंगे जो प्ले है, फिर हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे जो फुटबॉल है। तो हम कैसे ऑर्डर में लिखेंगे, यहाँ कॉपी पर लिखेंगे बोर्ड की आंसर नंबर 10, और उसका है ये फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो हम क्या लिखेंगे इस तरीके से, वी प्ले फुटबॉल कब खेलते हैं, इन द इवनिंग, ठीक है। आप इसे उतार सकते हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन था नरेशन का, क्या लिखा था, ये सेकंड क्वेश्चन है, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, आगे लिखा था माई मदर आस्क्ड मी, इसके आगे लिखा था माई मदर आस्क्ड मी, फुल स्टॉप, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखा था चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम इसे सॉल्व क्या करेंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप लिखेंगे 10 सेकंड आंसर, इसमें देखेंगे स्पीच पहले दी है और रिपोर्टिंग क्लॉज बाद में दिया है, जिसे हम पहले उठा के लाएंगे। तो यहां से शुरू करेंगे, माई मदर आस्क्ड मी, उसके बाद हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, इसलिए इफ लगाएंगे, इफ। फिर सब्जेक्ट है यू, ये है सेकंड पर्सन, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो सब्जेक्ट था, या यहां देख सकते हैं माई मदर है सब्जेक्ट और मी है ऑब्जेक्ट, तो मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो हो जाएगा इफ आई।
फिर डिड है, दोनों पास्ट में जब होते हैं तो हैड में चेंज करते हैं इंडेफिनिट को परफेक्ट टेंस में. तो डिड इफ आई हैड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लॉक्ड द फ्रंट डोर फुल स्टॉप. इंपॉर्टेंट बात, रिपोर्टिंग क्लॉज के रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे तो वहां से क्वेश्चन मार्क हटाकर केवल फुल स्टॉप में करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन हमेशा असर्टिव में होगा, कभी इंटरोगेटिव में नहीं होगा. तो ये दो क्वेश्चन हम उतार सकते हैं, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे. फिर है पैसिव वॉइस, इसे आपने उतार लिया होगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जी, अब अगला क्वेश्चन आएगा जो होगा पैसिव वॉइस का. ये लिखा है ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, ये नंबर 3 है 10th का. He has answered all the questions. और यहां लिखा है change into passive voice. जो blue में लिखा हुआ दे रहे हैं ये line, ये question paper है, और हम जो अब ब्लैक से लिखेंगे वो आंसर होगा, यानी कि जो हमें आंसर बुक में लिखना है. तो हम आंसर लिखेंगे आंसर नंबर 10th 3. ये जरूरी नहीं हर बार आप आंसर नंबर लिखें, आप एक क्वेश्चन में एक बार लिखेंगे आंसर नंबर 10th, देन 1 2 3 4 जहां तक जा रहा है. ठीक है, इस तरीके से करेंगे. आइए इसे कैसे पैसिव में चेंज करेंगे. तो ही सब्जेक्ट होता है, एंसर्ड वर्ब होता है, ऑल द क्वेश्चंस क्या है ऑब्जेक्ट, तो ये पहले आ जाएगा. बहुत साफ साफ समझें, ऑल द क्वेश्चंस ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जो इधर आ गया. ठीक, ही सिंगुलर था इसलिए हैज लगा, बिकॉज अब क्वेश्चंस है तो यहां पर इसके साथ जो हेल्प वर्ब है वो भी प्लुरल लगेगी, तो यहां हो जाएगा हैव. हैव के साथ आता है बीन, एंसर्ड पहले भी था और अब भी रहेगा, क्योंकि हैज हो या हैव थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव परफेक्ट में रहती. तो हैव बीन एंसर्ड बाई ही इधर आएगा तो हो जाएगा हिम. ठीक है, इसे आप उतार सकते हैं अगला क्वेश्चन. तब तक मैं नीचे का यहां पे इरेज कर देता हूं, ये जगह आपके काम आएगी और हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे. अब आ गया करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ये क्वेश्चन है नंबर 4. क्या लिखा है, ही डैश इन दिल्ली, इन दिल्ली सिंस 1998. जी, और यहां ब्रैकेट में लिखा मिलेगा आपको यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ कौन सी वर्ब है, वर्ब ब्रैकेट में लिखा है बी. तो बी से बनता इज आर एम वाज वर्ब, लेकिन यहां पर है सिंस ऑफ फॉर जब लगाते हैं तो वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में. तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए यूज करेंगे ही हैज बीन. तो ही हैज बीन इन दिल्ली सिंस 1998.